हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 6। इसके बारे में कल आपको मैंने टेबल बनाने बताई थी, तो टेबल से इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है। एक बात ध्यान रखना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी, टेबल से वैल्यू रखनी है या पूरक कोण वाला क्वेश्चन करना है। तो इसमें मैं पहचान बता देता हूं। जब क्वेश्चन में और थीटा की वैल्यू 30, 60, 45, 90 ये दी हुई हो ना, तो निश्चित ही मान लो कि हमें ये क्वेश्चन टेबल से वैल्यू लेकर करना है। ठीक है, तो इसके लिए टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। और एग्जाम में भी आप पहले टेबल बना लेना है क्वेश्चन करने से पहले, उसके बाद वैल्यू रखना। देखो, और इस प्रश्नावली में बोल रहे हैं कर रहे हैं, आगे वाले वाले जो भी प्रश्नावलियां हैं उन सभी में हम उदाहरण है ना वो भी करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण से ही। आपको दिया हुआ है उदाहरण नंबर 1, 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 3 cos 30 डिग्री। तो आपको टेबल में 10 वाला कॉलम देखना है, और 10 वाले कॉलम में 60 डिग्री का मान अगर टेबल में देखेंगे तो आपको √3 मिलेगा। कितना मिलेगा? √3। अब 10 पर क्या लगी है? स्क्वायर। इसकी वैल्यू पर भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर। फिर है 3 into cos, की 30 की वैल्यू देखनी है आपको। तो टेबल में आप सेकेंड नंबर पर कोस वाला कॉलम है और उसमें आप 30 की वैल्यू देखेंगे तो वो मिलेगी आपको √3/2। और कोस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। इस पर भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर। अब देखिए, √3 पर स्क्वायर है, मीन्स √3 into √3। अब दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करें? दोनों पर रूट है ना, तो आप दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख लो। अब रूट सोल्व करने के लिए क्या करते हैं जानते हो? रूट के अंदर जो संख्या है उनका दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बना है ना, और इस जोड़े से एक संख्या बाहर ले दो, रूट सोल्व हो जाएगा। तो √3 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 3। अब 3, अब √3/2, तो इसका अर्थ हुआ √3/2 into √3/2। √3 को 3 से करेंगे 3, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 3+। अब इसका मल्टीप्लाई करो 3 को 3 से करेंगे 9/4। अब इन दोनों का जोड़ करना है। क्या करना है? दोनों का जोड़। और जोड़ करने के लिए हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है? एक एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। और 1 का भाग 4 में लगाओगे 4 बार, और 4 को 3 से गुणा करोगे 12+। 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को 9 से करोगे 9, और 12 और 9 कितने हो गए? 21/4। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 आपको दे रखा है, 4 cos 45। क्या वैल्यू दे रखी है? cos 45। और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 क्या वैल्यू होती है? 1/√2। अब cos पर क्या लगी है? power 3। तो इस पर क्या लगाएंगे? power 3। 3 into cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब इस पर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है तो सीधी वैल्यू रख लेंगे। आया समझ में? अब 4 into 1/√2, 1/√2, 1/√2, इनका सॉल्यूशन करेंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 से करेंगे, इसका आएगा 1। √2 को √2 से करो 2, आगे क्या रह गया? √2। 3 को 1 से गुणा करो, 3 × 1 = 3, 3/ में क्या रह गया? √2। अब देखो, 4 से ये कटते हैं क्या?
दो कटते हैं इधर से, तो ऊपर आ गया 2 बटा, नीचे रह गया रूट दो, ऊपर आ गया 3 बटा रूट दो, 3। एलसीएम लो कितना आएगा, रूट दो। रूट दो का रूट दो में भाग 1 पर, 1 को 2 से करेंगे 2, रूट दो का भाग 2 में, रूट दो में 1 पर, 1 को 3 से करेंगे 3। अब 2 माइनस 3 करो क्या आएगा, -1 बटा रूट दो। इस क्वेश्चन का हल होगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। साइन 60, तो आप टेबल में देखोगे पहला कॉलम साइन का ही होता है। साइन के सामने 60 की वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगी √3/2। अब देखो साइन 60 और cos 30 के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। cos 30 की वैल्यू ज्ञात करोगे तो cos वाले कॉलम में 30 के सामने आप आएंगे √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखो मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई, तो बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करते हुए पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, तो √3 को 3 से करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4। अब ले लेते हैं एलसीएम, 4 का भाग 4 में कितने हो जाएगा, 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, फिर 4 का भाग 4 में 1 बार 1 को 1 से करेंगे 1, 3 और 1 कितने हो गए 4/4, और 4 में 4 का भाग लगाओगे 1, तो 8 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 की तरफ चलते हैं। साइन 60 और sec 30 के बीच कोई चिन्ह है क्या, देखो नहीं, चिन्ह क्या है, मल्टीप्लाई, यहां भी कोई चिन्ह नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई। तो आप साइन वाले कॉलम में 60 के सामने साइन की वैल्यू देखोगे तो मिलेगी √3/2। sec 30, तो sec होता है कोस का व्युत्क्रम, तो cos 30 की वैल्यू अगर आप देखते हो, किसकी वैल्यू देखते हो, cos 30 की, तो वो मिलती है √3/2, और tan 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आया समझ में? अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10/45 की वैल्यू 1 होगी, सॉरी सॉरी, 10/45 की वैल्यू 1 होगी, √3 को 3 से करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4 इंटू 1, अब 3 को 1 से करेंगे 3/4। ये आ गया आपका चौथे क्वेश्चन का हल। तो कैसा लगा ये, आशा करता हूं अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। और आपके लिए एक सूचना है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पर लिंक दिया गया है, उस लिंक की सहायता से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।